अच्छा आप मैं आपकी टीम आज क्वेटा ग्लेडिएटर आज पहला मैच और शायकीन भी क्या आपकी मैं आपकी फीलिंग पूछना चाहूँगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ हमेशा की तरह और पहला मैच है ओपनिंग मैच है तो मुझे लगता है कि जो एनर्जी होती है ना वो ज़्यादा है इस बार। बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं क्रिस गेल फर्स्ट टाइम पार्ट बने हैं उसके लिए कितने एक्साइटेड है यूनिवर्सल बॉस कहते हैं क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है। ऑफ कोर्स मैं हूँ और आई थिंक जो कुछ भी हमारी टीम के लिए ज़्यादा अच्छा होगा उसके लिए मैं क्या मेरी पूरी टीम खुश होगी एंड आई होप कि जो चीज़ें लास्ट ईयर में हम लोग लैक कर रहे थे वही साल में ज़्यादा अच्छी हो। अच्छा ये कि पब्लिक बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन भारत है तो किस तरह देखती हैं क्या मैसेज देंगी पब्लिक को भी लोग आ रहे हैं कम होंगे ज़रूर। आई थिंक मुझे लगता है कि खुशी की बात यही है क्योंकि जितना हम लोग अभी SOPs को फॉलो कर सकते हैं हम करें बट जितनी पब्लिक भी आ रही है उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि प्लीज़ मास्क पहन के रखें अपने लिए भी साथ वालों के लिए भी। अच्छा आप मैं आपकी टीम आज क्वेटा ग्लेडिएटर आज पहला मैच और शायकीन भी क्या आपकी मैं आपकी फीलिंग पूछना चाहूँगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ हमेशा की तरह और पहला मैच है ओपनिंग मैच है तो मुझे लगता है कि जो एनर्जी होती है ना वो ज़्यादा है इस बार। अच्छा बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं क्रिस गेल फर्स्ट टाइम पार्ट बने हैं उसके लिए कितने एक्साइटेड है यूनिवर्सल बॉस कहते हैं क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है। ऑफ कोर्स मैं हूँ और आई थिंक जो कुछ भी हमारी टीम के लिए ज़्यादा अच्छा होगा उसके लिए मैं क्या मेरी पूरी टीम खुश होगी एंड आई होप कि जो चीज़ें लास्ट ईयर में हम लोग लैक कर रहे थे वही साल में ज़्यादा अच्छी हो। अच्छा ये कि पब्लिक बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन भारत है तो किस तरह देखती हैं क्या मैसेज देंगी पब्लिक को भी लोग आ रहे हैं कम होंगे ज़रूर। आई थिंक मुझे लगता है कि खुशी की बात यही है क्योंकि जितना हम लोग अभी SOPs को फॉलो कर सकते हैं हम करें बट जितनी पब्लिक भी आ रही है उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि प्लीज़ मास्क पहन के रखें अपने लिए भी साथ वालों के लिए भी।